भारत के सबसे बड़े प्रीमियर मल्टी लेयर प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट का उद्घाटन वलसाड जिले के सरीगंज जीआईडीसी में किया गया। यह प्लांट डिलक्स रिसाइकलिंग और सर्कुलेट कैपिटल के बीच में एक संयुक्त उद्यम है जो 1999 से सरीगंज में संचालित हो रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक को रिसाइकल कर कंपोनेंट बोर्ड फर्नीचर बनाया जाएगा, जिसके लिए प्लांट में उन्नत मशीनरी लगाई गई है। आज हम यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा मल्टी लेयर प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट का इनोग्रेशन कर रहे हैं। ये प्लांट जो है, जितना भी प्लास्टिक का वेस्ट होता है मिक्स्ड मिक्स्ड फॉर्मेट में, जो कहीं पर भी रिसाइकल नहीं होता है, वो इस प्लांट में आके रिसाइकलिंग होता है। और इस रिसाइकलिंग से हम बोर्ड्स बनाते हैं, कंपोजिट बोर्ड्स, जो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस में जाता है, जो जैसे कि ऑटो रिक्शा की सीट बेस हो गए, पैलेट्स हो गए, दरवाजे के पैनल हो गए, फर्नीचर हो गया, इस टाइप के एप्लीकेशंस में हमारे कंपोजिट बोर्ड्स जाते हैं। ये जो फैसिलिटी जो है, ये इंडिया की लार्जेस्ट मल्टी लेयर प्लास्टिक रिसाइकलिंग कैपेसिटी है। और ये हमारी जो फर्स्ट स्टेप जो है, ये टूवर्ड्स जो एनवायरनमेंट को हमें बचाना है, उस स्टेप में टूवर्ड्स हमने यहाँ पर करीबन 20,000 टन पर एनम, यानी कि साल का 20,000 टन रिसाइकलिंग का प्लांट यहाँ पे स्टार्ट किया है। और हमारा एम है कि 2026 से 27 तक हम लोग करीबन 1 लाख टन पर एनम का रिसाइकलिंग पहुँचना चाहते हैं। इस इवेंट में सर्कुलेट कैपिटल सहभागी है, जिसने हमें फंड करके एक एक्सपेंशन का अपॉर्चुनिटी दिया है। और इस एक्सपेंशन की वजह से हम इंडिया के लार्जेस्ट मल्टीलेयर प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनने जा रहे हैं। हम बेसिकली इस वेस्ट टू एंड प्रोडक्ट के बिजनेस में करीबन 20 साल से हैं। हमने ये 20 साल पहले एक छोटा रिसर्च यूनिट स्टार्ट किया था, जिसमें ये देखना था कि जो जूस कार्टन्स होते हैं, जो टेट्रापैक से बने होते हैं, उसको कैसे रिसाइकल किया जाए। और उसी में से हमने ये प्रोसेस डेवलप किया, ये इन हाउस डेवलप किया गया प्रोसेस है। और इस प्रोसेस से हम कंपोजिट बोर्ड्स बनाते हैं, और यही प्रोसेस हम दूसरे देशों में भी देते हैं। आज हमें खुशी है ये बताकर के हमारे प्रोसेस करीबन 9 अलग देशों में इंटरनेशनली चलते हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट हमने इंडिया ने प्रोवाइड किया हुआ है।